अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की। तो दोस्त, तो इस समय की पहले बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है मोबाइल में, स्टेप बाय स्टेप हम पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपका एडमिट कार्ड कैसा दिखेगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप लोग का नाम, आपके पिताजी का नाम, फोटो आईडी नंबर, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी है। और आप लोग का पेपर किस तारीख को है, देखिए यहाँ पर जैसे इस बच्चे का पेपर 24 अगस्त को है, 25 अगस्त को सेकंड पेपर है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर पेपर की टाइमिंग लिखी गई है। जो गेट क्लोजिंग का टाइम है, पेपर 10 बजे से होगा, जो गेट क्लोज होगा दोस्तों फर्स्ट मीटिंग के लिए, वो 9 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। इसको जरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर बाद में आप परेशान होंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है, यहाँ पर पेपर किस तारीख को, पेपर की टाइमिंग यहाँ पर लिखी है, कौन सा पेपर होगा, जनरल स्टडीज़ का पहला, दूसरा क्वालिफाइंग पेपर लैंग्वेज का, सेंटर गया सिवान में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आप लोग का भी सेंटर इंपॉर्टेंट है, सिवान में गया है। तो यहाँ के लिए आप लोग अपनी तुरंत ट्रेन की टिकट या जैसे भी आप जा सकते हैं इसको करवा लेना है, नहीं तो आप पेपर तक पहुँच नहीं पाएंगे, सेंटर तक पहुँच नहीं पाएंगे, बाद में आपको परेशान होना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मोबाइल में आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है मात्र 2 सेकंड में पूरा प्रोसेस बताएंगे। और आप लोग अपनी फोटो कैसे अपलोड करेंगे, कितने KB की फोटो होनी चाहिए, 25 KB से कम की फोटो होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज 250x250 होनी चाहिए, उससे कम होगा चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में गूगल ओपन करना है और देखिए सर्च क्या करना है, DELED RESULT.COM DELEDRESULT.COM सर्च करेंगे और जो ये पिंक कलर का आपको लोगो दिख रहा है इसको ओपन करना है, DELED RESULT 2023 वेबसाइट को। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं BBSC शिक्षक भर्ती एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड करें। तो जैसे ही क्लिक हियर पर आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पहले क्लिक करना रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं जो अभी हमारा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। तो उसके बाद हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे BBSC स्कूल टीचर एडमिट कार्ड। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए आप लोग का एडमिट कार्ड का सारा लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। एक बात और, आप लोग को दोस्तों जो फोटो रहेगी ना, पासपोर्ट साइज, उसको ये एडिट करना है 250x250 में। अगर आप लोग नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्लिक करेंगे, देखिए नए पेज में खोल कर दिखा रहे हैं। तो करना क्या, यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों जो यहाँ पर देखिए कस्टम रिसाइज लिखा है, इसको दोस्तों लिखेंगे 250 और यहाँ पर भी हाइट को भी लिखेंगे 250, ठीक है। अपलोड इमेज में चले आएंगे और आप लोग दोस्तों अपने जैसे फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कोई भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम आपको जैसे दिखा दे रहे, जैसे हमारी नोटिस ही थी, तो ये क्या हो गया 250, देखिए पूरी फोटो नहीं ले रहा, सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरत है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए पिक इन 25 KB, फोटो आपकी 25 KB के अंदर होना चाहिए। इसको नए पेज में ओपन करते हैं, ये देखिए कंप्रेस का सिलेक्ट इमेज कर लेंगे, जैसे कोई फोटो ये वाली, इसको दोस्तों हमें जैसे ये हमारी फोटो है 47 KB की, ठीक है, इसको हमें देखिए कंप्रेस करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले फोटो हमने जैसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ परसेंटेज का लेवल आ रहा है, कंप्रेस लेवल कितना परसेंट आपको इसको कंप्रेस करना है। तो जो दोस्तों फोटो आपकी बनेगी वो 20 यहाँ पर लिख के क्लियर आ जा रहा है कितने। चलिए पहले हम इसको कंप्रेस कर देते हैं, नॉट कंप्रेस आ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये फोटो कंप्रेस होकर 23 KB में आ गया, जो कि पहले 27 KB में 47, ठीक है, और यह 100% कंप्रेस कर देंगे तो 11 KB। तो ऐसे दोस्तों आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। देखिए एक और फोटो आपको दिखा देते हैं करके, सिलेक्ट इमेज में क्लिक करेंगे, जैसे मान लेते ये फोटो है हमारी, ये 173 KB की है, इसको हमें कंप्रेस करना है। कंप्रेस करके दोस्तों ये बन गई हमारी 30 KB की फोटो, देख सकते हैं कितना ही जल्दी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपकी फोटो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, ये आसान सा तरीका है। उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी फ़ोटो कंप्रेस या डाउनलोड पिक छोटी कर दें तो यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। दो चीज़ें आपने सीख लिया, अब हमें BBSC का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं, नए पेज में ओपन करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पर फॉरगेट यूजर नेम एंड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम आपको, अगर आपका यूजर नेम आप और पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करना है फॉरगेट पास यूजर नेम एंड पासवर्ड पर। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सिलेक्ट एग्जाम पर दोस्तों हम क्लिक करेंगे और आएंगे यहाँ पर, ठीक है, टीचर वाला कहाँ पर लिख के आ रहा है जरा देखिए, तो इसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको, एक ही 2 सेकंड का दोस्तों समय लगेगा। एक बार देखिए आप लोग एक बार सीख जाएंगे ना
तो आपके किसी भी दोस्त का मतलब पासवर्ड यूजर नेम भूल चुके हैं तो उनको आप ये देखिए 26/2023 लिखा ना स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम TRE वाला, इस पर क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दोस्त आप लोग डालेंगे, चलिए मैं आपको अपना करके दिखा रहा हूँ, जैसे मई हो गया, ईयर यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोग का पहले महीने लिखे हैं, यहाँ पर ईयर में देखिए यहाँ पर ऐसे लेफ्ट राइट है ना, यहाँ से करके बैक कर सकते हैं। हमने दोस्तों ईयर और महीना सिलेक्ट कर लिया और डेट यहाँ पर अब सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ होगी, मोबाइल नंबर जो भी आपका रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर दोस्तों ये कैप्चा वैल्यू, ठीक है, इसको जरा ध्यान से भरेंगे, अगर गलत होगा तो यहाँ पर लिख के आएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। इनवैलिड कैप्चा लिख के आ गया है, ये आई थिंक लास्ट में 0 है क्या। तो दोस्तों ये हो रहा सेंडिंग, एक सेकेंड फिर से यहाँ पर गलत क्या हो रहा देख सकते हैं आप लोग, ये यस को हम लोग स्मॉल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समय काफी ज्यादा लग गया, एक काम करते इसको चेंज कर लेते ना। देखिए भाई मैं आपसे बोला था कि अगर ना हो एक बार में इसको तुरंत चेंज कर लिया करिए, तो देखते हैं एक बार लेता है कि नहीं। देख सकते हैं दोस्तों डियर कैंडिडेट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर यूजर नेम एंड पासवर्ड आ चुका है, चलिए अब हम लॉगिन करते हैं फटाक से। तो ठीक है, तो हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, ये हमने लॉगिन कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों अपना ठीक है OTP यहाँ वो डालना है कैप्चा वैल्यू। अब यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं, जैसे दोस्तों आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे फिर से इनवैलिड कैप्चा आ गया, चलिए इसको फिर चेंज करते हैं NKJJB लॉगिन। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये लॉगिन हो चुका है। अब उसके बाद हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपलोड फोटो पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे आप लोग अपनी फोटो अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए रिटर्न एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और ये सब चीज़ें लिखी हैं, आपका नाम डेट ऑफ बर्थ ये सब चीज़ें लिखी रहेंगी, तो मैंने पढ़ लिया ये सब चीज़ें। और चलिए यहाँ से अब हम इसको डाउनलोड करते हैं, कैप्चा वैल्यू हम फिल कर रहे हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग के दोस्तों दोनों फोटो यहाँ पर दिखेगी, एक तो वो वाली फोटो जो आप कंप्यूटर से या ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वो वाली फोटो, और एक जो आपने तुरंत अपलोड की वो वाली फोटो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, पिताजी का नाम, फोटो ID नंबर यहाँ पर इसको हाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम क्या दिख रहा है, सुबह 7:30 बजे फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग, ये सब चीजें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि आपका जो सेंटर मिला है वो कहाँ पर मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमें डिस्ट्रिक्ट मिला है सीवान दिया, ठीक है। पहला पेपर 24 तारीख को, दूसरा पेपर 25 तारीख को, यहाँ पर क्लियर है यहाँ पर लिखा गया। तो अब दोस्तों आप लोग का सेंटर जहाँ जाएगा उसके लिए आप लोग ट्रेन की टिकट ये सब कराएंगे, चलिए ऑल द बेस्ट। उसके लिए बाद आप लोग आवश्यक निर्देश यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पहले आपको पहुँचना है, ये भी बात यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। तो बाकी कुछ और अपडेट आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।